महिला कितने उम्र तक सेक्स कर सकती है, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यूजुअली 45-50 साल के जो पुरुष रहते हैं उनकी कंप्लेंट ये रहती है कि हमारी पत्नी जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है। सेक्स का भी बोला तो बोलती मेरी पीठ दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, सर दर्द कर रहा है, आगे दर्द है, पीछे दर्द है, अभी तो क्या नींद आ रही है, बहुत तो थक गई है, मतलब इस तरह का होते रहता है। एक्चुअली महिलाओं की एक मानसिकता ही बनी हुई है हमारे कल्चर में कि नहीं नहीं अभी तो क्या, बच्चे बड़े हो गए, अच्छा दिखता क्या, और हस्बैंड वाइफ ने साथ में सोना क्या। अभी कल एक मेरे पास में आया था, उसकी उम्र करीब करीब 55 साल की थी, बच्चे बड़े बड़े हैं और आज भी इतने साल के बाद में पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोते हैं। स्त्री जो है उनकी माँ बच्चों के साथ में सोती है, जब बच्चे बड़े बड़े 15-20 साल के बच्चे हैं उनके साथ में सोती है, और जब सेक्स करना है तो उनको रुकना पड़ता है कि बच्चे सोएंगे कब, वो वहाँ से उठ के ये कमरे में कब आएंगे और सेक्स करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, महिला की उम्र ज़्यादा हो गई तभी भी उसकी सेक्स की इच्छा रहती है, मगर हमारे कल्चर में ऐसा है कि नहीं नहीं अभी क्या सेक्स करना है। दूसरा एक कल्चर में हमारा ऐसा कि नहीं नहीं इनिशिएट नहीं करना चाहिए, औरत ने, पुरुष ने इनिशिएशन करना चाहिए और स्त्री ने पहले मना करना है और बाद में हाँ बोलने का है, मतलब ऐसा भी चलता है। एक्चुअली महिला कोई भी उम्र तक सेक्स कर सकती है। क्या होता है कि 30 और 40 साल की जो लेडीज है तो ये उम्र में बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका लालन पालन संगोपन करना उसमें उसकी एनर्जी जाती है। जो प्रोफेशनल्स है, बिजनेस वूमन है, उनको खुद को करियर बनाने का है तो उसमें वो बिजी रहती है, फिर थक जाती है। घर के काम काज, एजुकेशन समझो करना है तो उसमें हो सकता है कि 30 और 40 साल के बीच में उनकी कम इच्छा रहती है। पर एक बार 45 साल की हो गई, पीरियड्स बंद होते आ रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब घर में काम नहीं है, प्योरली हाउसवाइफ है, और अभी क्या करना, अभी उसकी इच्छा होती है मगर वो खुद होकर बोलेंगे नहीं। अभी उल्टा होता है कि अभी 50 साल का व्यक्ति है वो अपने बिजनेस में काफ़ी अभी बिजी हो गया है, या अभी ऑफिस का टेंशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अभी बच्चे बड़े हो गए, लड़की की शादी करना है, अभी वो अपने फिराक में है, और इस समय एक्चुअली औरत की इच्छा बढ़ जाती है कि नहीं मैंने सेक्स करना चाहिए, क्योंकि अभी तक नहीं किया था, अभी उसकी इच्छा हो जाती है। एक ही प्रॉब्लम इसमें आता है, जो लोग यदि उसका मतलब उसको दूर करते तो काफ़ी अच्छा होगा। 45 साल की उम्र में यदि पीरियड्स खत्म होते आ रहे तो वजाइना ड्राई होता है, और वजाइना ड्राई हो गया, वहाँ सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो फिर सेक्स में बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, पेनफुल सेक्स होता है। तो एक तो उसके लिए लूब्स का, लुब्रिकेंट्स का वापर करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि 45-50-55 ये उम्र ऐसा होती है कि नहीं लोगों को है ना रोमांटिक बातें आती नहीं है, बस सेक्स करना है और दूर होना है, सो जाना है, तो उसमें स्त्री को इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वो भी आदमी यदि करता है कि नहीं रोमांटिक बातें करता है, दिन भर क्या हुआ उसके बारे में बात करता, तो उसकी इच्छा हो जाएगी। और एक वो महिलाओं को अपने दिमाग में से निकालना पड़ेगा कि अभी इतनी उम्र हो गई अब क्या सेक्स करना क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी उम्र तक सेक्स कर सकते हैं, और पीरियड्स खत्म होने के बाद में भी सेक्स की इच्छा होती रहती है। सेक्स करते हैं तो उल्टा अच्छा है, सेक्स करने से मेंटल टेंशन कम होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी, आपसी जो तनाव है वो दूर हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और दोनों ने एक साथ में सोना है और सेक्स करते रहना है। सेक्स को कोई बंधन नहीं है, महिलाओं की उम्र कितनी भी हो गई तभी वो सेक्स कर सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लेडीज़ को शेयर करो कि जिनके पीरियड्स खत्म हो चुके हैं और अभी वो चाहती कि नहीं अपनी तो उम्र हो गई, अभी अपना तो सेक्स लाइफ खत्म हो गया, अब क्या करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आखिरी तक सेक्स कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।